नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं जो मुझे मिली है। जो बच्चे हाई कोर्ट में अभी इस समय सेलेक्टेड हैं और उनके थ्रू ये सूचना मिली है कि कुछ बच्चों ने आरटीआई डायर किया था कि ग्रुप सी और डी की वैकेंसी क्यों नहीं आई 18 के बाद अभी तक, क्योंकि आर ओ आर ओ हो चुका है आपका, लेकिन डीवी होने वाली थी, किसी कारणवश एजेंसी पर जांच पर जो कोर्ट का आदेश आया और उसे डीवी को रोक दिया गया। तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं हो जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जो भी जांच होगी जो इरिलेवेंट चीज़ें पाई जाएंगी उनको रोक लगाया जाएगा, लेकिन निरस्त होने के तो बहुत कम चांसेस हैं। जो भी होगा वो कोर्ट सही समझ के आपका आदेश देगा। लेकिन अभी जो इसके बीच में सूचना मिली है हमें कि ग्रुप सी और डी के जो पोस्ट हैं वो आपके ऑलमोस्ट 3400 के अप्रोक्स पोस्ट हैं, 3408 पोस्ट का रियायत हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, बस पब्लिश होना है आपका जो नोटिस है, कुछ इसी प्रकार का नोटिस है, ठीक है, आपका बन के तैयार हो गया है और ये पहले ही आ जाती। लेकिन आरओ एआरओ को ये था कि अभी तक वो फाइनल हो गई होती, उसका अपॉइंटमेंट लेटर बच्चों को मिल गया होता, लेकिन कोर्ट का स्टे लग गया, इस वजह से इसमें भी डिले हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसका अधियाचन पूरे पोस्ट का, 3408 पोस्टों का ऑलमोस्ट नियर अबाउट पहुंच चुका है कोर्ट के पास, जहां तक उम्मीद है कि इसका जो नोटिफिकेशन है, एक बार मैं बता दूं तो नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट आपको जुलाई में, ये जून चल रहा है ना, तो जुलाई के आसपास आपको, जून लास्ट या जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। और इसका एग्जाम, क्योंकि अभी थोड़ा सा एनटीए को लेकर दिक्कत चल रही है, एग्जाम एजेंसी एनटीए है, ठीक है, तो उसको लेकर आपका दिक्कत चल रही है, क्योंकि आरओ कराया था उसने तो उसमें काफी उसके ऊपर उंगलियां उठी हैं, तो इसी वजह से एग्जाम इसके 2 महीने बाद सितंबर तक आप मान सकते हो, अगस्त या सितंबर तक होने के चांस, तो आपके पास समय नहीं है। अगर आपको टारगेट है कि देखो आनी है, ये कंफर्म है, इसके ऐसे नोटिस वायरल हो रहे हैं जो बना बनाया कि हाँ, अब पिछली बार इसमें 400 समथिंग, 451 51 के पोस्ट थे, लेकिन इस बार 401 पोस्ट आ रहा है ग्रुप सी का, जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, जो दोनों आती है आपके इंग्लिश और हिंदी में, तो वो 401 पोस्ट आ रहा है, ठीक है। और जो आपका जूनियर असिस्टेंट आता है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का आ रहा, उसमें ज्यादा पोस्ट हैं, 1453 पोस्ट आपके आ रही हैं ग्रुप सी और डी वाले में। ग्रुप सी में 1453 पोस्ट आपके हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट आ रहा है और 401 स्टेनो आ रहा है, बहुत अच्छा खासा पोस्ट है। और जो ड्राइवर का है वो 39 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, बढ़ भी सकता है, मैंने अप्रोक्स बताया है, ये चीजें जो 100% सत्य नहीं है, जहां से जो सूचना भाई मिलती है और जैसे मिलती है वैसे मैं आपको प्रस्तुत करता हूं, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये वैकेंसी जरूर आएगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा प्लस बैच स्टार्ट कर चुका बहुत पहले से, जब हमें एक बार और सूचना मिली थी कि ये वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, लेकिन उसी कारण बस क्या हुआ कि इस बीच में कोर्ट का स्टे लग गया आरओ पे और ये भर्ती पूरी सफल नहीं हो पाई, इन द सेंस कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ले हो पाया है बच्चों का, इसी वजह से इसमें डिले हुआ था। लेकिन अब ये अधियाचन पहुंच चुका है, तो ये मैंने जैसा बताया कि जून नहीं, जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है आप लोगों को। और यहां पर ट्यूबवेल ऑपरेटर जो इलेक्ट्रीशियन वाला है उसके भी काफी अच्छे खासे पोस्ट हैं, 1515 पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाकी डिटेल कि किसमें क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है, किसमें कौन सा स्किल टेस्ट होता है, कितने मार्क्स का होता है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत पहले ही डाल रखी है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, ताकि आप उसे बहुत अच्छे से देख लो। कट ऑफ क्या रहती क्या नहीं रहती है, वो तो आपका जब दोनों बनते हैं ना, एक बार आपका ये वाला टेस्ट, क्योंकि दोनों जानते हो इसके स्किल टेस्ट, और पहले नहीं होता था लेकिन अब अगर एनटीए करा रही है तो इसके स्किल टेस्ट और इसका रिटेन टेस्ट, जाहिर सी बात है दोनों एक साथ होगा। तो पिछली बार इसके जो कटअप बने थे शायद सी का जो था 129 नंबर था, ठीक है, वो दोनों मिला के, क्योंकि स्किल टेस्ट में ये जो स्टेनो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, उसमें फिर टाइपिंग भी होती है इंग्लिश हिंदी की, तो 25-25 की होती है, तो वो मार्क्स पे डिपेंड करेगा और एजेंसी बदल रही है, तो मैं भी मार्क्स के बारे में मैं कुछ डिटेल नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। चाहे कुछ मैंने उसमें भी वीडियो जो इससे पहले भी बनाया है उसमें भी मैंने पैटर्न के बारे में जिक्र नहीं किया है,
पैटर्न आपका चेंज भी हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बदल भी सकते हैं, लेकिन सिलेबस आपका क्या रहेगा, वही रहेगा। सिलेबस का इन द सेंस कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ये ना सोचो कि सर सिलेबस सिलेबस आया नहीं, पैटर्न आया नहीं, तो हम कैसे तैयारी करें। हाई कोर्ट का काम ही है भैया, वो तुरंत देता है और तुरंत एग्जाम कराता है 2-3 महीने में। तो अगर उस दरमियान आप लोग तैयारी करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का 100% तैयार हो पाएगा। इसीलिए इतना तो सबको पता है कि भाई जीएस आना है तो आना है। पिछली बार अगर मैं देखूं, पिछली बार जो 25-25 क्वेश्चन इंग्लिश था, 25-25 हिंदी था, 25 जीएस था, 25 मैथ था, 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के थे, ठीक है। बाकी स्किल टेस्ट थे आपके अलग अलग मार्क्स के होते थे, तो वो चीजें तो कहीं ना कहीं रहेंगी ही रहेंगी। और यही चीजें आपको हमने देखा कि आर ओ में मिला, कंप्यूटर जीएस में ही कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं 10-12। तो वही चीजें है कि जीएस का हो सकता है नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएं, जो पहले 25-25 थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दे, जैसा इस बार एनटीए ने किया, क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, किसी के कम हो जाएं, किसी के ज्यादा हो जाएं, जैसे कंप्यूटर रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़े मिले थे आर ओ में इस बार। हर बार की अपेक्षा क्या हुआ था, पैटर्न में चेंज हुआ था, लेकिन सिलेबस तो आपका वही था ना, पढ़ना आपको वही है, रीजनिंग पूरा वही पढ़ना है, ठीक है। अगर आता है तो, रीजनिंग तो था नहीं इससे पिछले में, लेकिन सबसे पहले फोकस क्या करना है, बाकी रीजनिंग तो कभी भी कवर हो जाएगी, उस दरमियान 2 महीने में भी कवर हो जाएगी, लेकिन जीएस आपका ब्रॉड है तो जीएस पढ़ना है आपको, तो जीएस आज ही से स्टार्ट कर दो। और जीएस में ये नहीं कहीं लिखता है कि हिस्ट्री के हम 5 क्वेश्चन देंगे और ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़ो सब कुछ, उसी में 10 जो भी आपके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग सभी के वेटेज रहेंगे। तो भैया पढ़ना जीएस तो आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ना ही है, तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और जाहिर सी बात है हिंदी आएगा ही आएगा, ये है, इंग्लिश आएगा ही आएगा क्योंकि हाई कोर्ट का एग्जाम है, ये कहीं नहीं जाएंगे हिंदी और इंग्लिश, तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो पूरा, क्योंकि इसमें ये भी नहीं कहता कि आप ये छोड़ दो, हिंदी इंग्लिश सिंपल लिखा रहता है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, जीएस हिंदी इंग्लिश, तो सिलेबस आपको पता है, बस पैटर्न नहीं पता है। पैटर्न आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग उस समय 2 महीने में कि किसको ज्यादा हमें समय दें और किसको कम दें, उसके अकॉर्डिंग फिर से आप एक तरह से बोल सकते हो कि आप उसे रिवाइज कर सकते हो चीजों को। तो बैच स्टार्ट हो चुका है, 699 का बैच है। आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, वहां से रजिस्टर करिए, काफी बच्चों ने एडमिशन ले लिया, क्लासेस भी उसमें रेगुलर चल रही है। तो जीएस तो अच्छा खासा चल रहा है, ऑलमोस्ट कुछ चीजें उसमें जीएस की कंप्लीट भी हो चुकी हैं, तो आप लोगों को पूरा जो हो चुका है वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, और अभी लाइव क्लासेस उसमें चल रही है। तो ये जैसा मैंने बताया कि समय नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर सितंबर में, ये जाहिर सी बात है, चांसेस हैं ये एग्जाम कंडक्ट करा लें, और तैयारी करने के लिए एटलीस्ट आपको बहुत अच्छी, क्योंकि कंपटीशन देखो और मार्क्स देखो, इनका जो मार्क्स जा रहा है, कितने बच्चे कितना हाई मार्क्स पा रहे हैं, तो उतने मार्क्स लाने के लिए आपको 6 महीना पहले ही कमर कसना पड़ेगा, ठीक है। तो आज ही से स्टार्ट कर दो तैयारी, अच्छे खासे 3408 पोस्ट के अप्रोक्स ये आ रहा है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हाईकोर्ट सब कुछ जल्दी कर देता है, चाहे कितना भी चिल्लाते रहो, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो आपको अपॉइंटमेंट विद इन 6 मंथ में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मुझे पता चलेगा, मैं ज़रूर इसकी वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी पूरा डिटेल का वीडियो पड़ा है, उसे अच्छे से आप देख लेना और अपनी तैयारी कंटिन्यू करो। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।